गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का मेंसुरेशन 11.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो किसी ने मुझे पूछा था सर डाउट ये वीडियो कर लीजिए, तो आपका डाउट हम क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रैपेज़ियम शेप फील एबीसीडी इज 120 मीटर इफ बीसी इक्वल टू 48 मीटर सीडी इक्वल टू 70 मीटर एंड एडी इक्वल टू 40 मीटर फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो लेंथ ऑफ द फेस ऑफ द ट्रैपेज़ियम मतलब जो कॉर्नर से शेप फील एबीसीडी मतलब के इज 120 मीटर, मतलब ये जो चारों तरफ पेरीमीटर कितना दिया बेटा 120 दिया गया। ठीक है, मैं लिखता हूं, चलो स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर कितना दिया बेटा 120 मीटर। ओके, इफ बीसी इक्वल टू 48 मीटर, बीसी कितना है 48 मीटर है। ओके, CB इक्वल टू 70 मीटर। ठीक है, AD इक्वल टू 40 मीटर। ओके, तो और एक साइड नहीं दिया गया, मतलब AB नहीं दिया गया। अच्छा, AB हम तो निकालना है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, ये फील्ड का एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इनटू सम ऑफ द टू साइड्स इनटू हाइट। ओके, 1/2 इनटू हाइट तो नहीं दिया गया है, तो सम ऑफ द टू साइड्स हमें पता है 40 और 48, लेकिन हाइट हमको निकालना है पहले। ठीक है, तो साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD, सो जो ये जो AB है परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये हाइट है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड्स AD एंड BC। ओके, सो पहले हम पेरिमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इक्वल कितना है बेटा 120 मीटर, जो हमें गिवन दिया गया। तो हमें ए बी निकालना है, ए बी प्लस बी सी कितना है 48 मीटर, प्लस सी डी कितना है 70 मीटर, प्लस ए डी कितना है 40 मीटर, इक्वल कितना हो जाएगा 120। एरोगेटिक में पॉइंट मैंने क्या किया, वो जो चार जो दिया गया था पेरिमीटर बीसी सीडी और एडी और एबी, बस वही को लिखा हूं। ठीक है, और हमें एबी निकालना है, एबी अगर निकालेंगे तो हाइट आ जाएगा। ठीक है, हाइट निकालने के बाद हम एरिया निकाल सकते हैं, समझ पा रहे हो। सो अभी ये हो जाएगा बेटा एबी प्लस इशार करो 7 प्लस 8 15 यानी हुआ 1 4 plus 1 5 6 6 plus 4 10 105 equal to 120। So AB हो जाएगा बेटा 120 minus 105, तो बेटा AB हो जाएगा कितना 15, क्या एबी क्या आएगा मीटर 15 मीटर। So अभी हम क्या निकालेंगे, find the area of this field, area निकालेंगे। चलो यहाँ पर करता हूँ, area of the field equal to 1/2 into sum of the two sides, क्या हो जाएगा बेटा AD plus BC, into क्या है height, height मतलब क्या है बेटा AB, नहीं तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 AD कितना है, AD है 40 plus BC कितना है 48। ओके, तो ये भी हमारा कितना आया अभी यहाँ पर 15, तो 1/2 इनटू ये हो जाएगा 88 इनटू 15, तो 2 4 8 अभी 44 इनटू 15 करेंगे, मैं यहाँ रखता हूँ 44 इनटू 15 1/4 20 = 2 1/4 4 1/4 4 0 2 + 4 कितना हो जाएगा बेटा 6 और 2 + 4 हो जाएगा 6 तो 44 * 15 एक बार फिर से चेक करते हैं 1/4 20 2 + 4 = 2 सही है 1/4 4 1/4 4
आइडिया कितना आ गया 660 मीटर स्क्वायर, नहीं तो क्या लिखोगे लास्ट फोर सो लेंथ लिखोगे, सो एरिया ऑफ द फील्ड इज 660 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो और भी डाउट पूछो मेरे को, कमेंट में आप पूछ सकते हो सारे डाउट से, तो हम रेडी हैं आपको डाउट सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो में बस इतना, थैंक यू सो मच।